देश की राजधानी दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को दिनदहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी गई। पेशी पर आए जितेंद्र गोगी की मौके पर ही मौत हो गई। ये गैंग वॉर रोहिणी कोर्ट के रूम नंबर 207 के भीतर हुई है। हालांकि पुलिस ने मौके पर जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावरों को ढेर कर दिया है। शूटआउट में 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि एनकाउंटर में टेलो गैंग के 2 बदमाशों को मार गिराया गया है। ये दोनों बदमाश वकील की ड्रेस पहनकर रोहिणी कोर्ट में घुसे थे। इन्होंने ही जितेंद्र गोगी को गोली मारी है। टेलू गैंग के दोनों बदमाशों के नाम पुलिस अभी वेरीफाई कर रही है। बताया जा रहा है कि इनकी पुरानी आपसी रंजिश थी। राजधानी में इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बताया कि पुलिस ने एक्सटॉर्शन केस में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। आज उसकी पेशी थी। वहां वकील की ड्रेस में आए बदमाशों ने अचानक जितेंद्र गोगी पर गोलियां चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन बदमाशों को ये नहीं मालूम था कि जितेंद्र गोगी के साथ स्पेशल सेल की एक टीम भी थी। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बदमाशों को मार ब्यूरो रिपोर्ट JSR टाइम्स के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।